हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम 5 सितंबर के करंट अफेयर्स की क्विज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर व्हाट लॉ द इंटरनल ओम्बड्समैन स्कीम 2018 गिव्स स्टेट्यूटरी पावर्स टू इंटरनल ओम्बड्समैन, यानी कि किस कानून के तहत इंटरनल ओम्बड्समैन है उसको स्टेट्यूटरी पावर्स दी गई है। राइट आंसर इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है, उसके तहत इंटरनल ओम्बड्समैन को स्टेट्यूटरी पावर दी गई है। आरबीआई ने हाल ही में इंटरनल ओम्बड्समैन स्कीम लॉन्च की है ताकि जो ग्रीवियंस सिस्टम है उसको बेहतर बनाया जा सके शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में। ग्रीवियंस सिस्टम का मतलब है किस तरीके से शिकायतों का हल किया जाता है। इंटरनल ओम्बड्समैन की बात करें तो इंटरनल ओम्बड्समैन वो व्यक्ति होंगे जो पब्लिक कंप्लेंट्स को इन्वेस्टिगेट करेंगे और उनको सोल्व करेंगे। उनका टेन्योर 5 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता है और वो दोबारा रीअपॉइंट नहीं किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ उनको आरबीआई की परमिशन के बिना हटाया भी नहीं जा सकता है। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी और 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज्ड कर दिया गया था। आरबीआई का मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। मिस्टर उर्जित पटेल है वो आरबीआई के गवर्नर है। कमेंट बॉक्स में बताइए एनपीए का फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which country has recently announced to launch Mars mission Hope by 2020? किस देश ने अपना Mars mission 2020 तक लॉन्च करने की अनाउंसमेंट की है? Right answer is UAE. UAE ने घोषणा की है कि वो 2020 तक अपना Mars mission लॉन्च करेंगे। इस मिशन का नाम होगा Hope. ये Mars की जो एटमोस्फेरिक लेयर्स हैं उनको स्टडी करेगा। UAE की बात करें तो उसकी राजधानी है अबू धाबी और दुबई है वो वहाँ की लार्जेस्ट सिटी है। यूएई की ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है अरबिक और दिरहम है वो वहाँ की करेंसी है। 2018 का एशिया कप है जो कि सितंबर के महीने में होना है वो यूएई में ही होगा। एशिया कप एक क्रिकेट टूर्नामेंट है। मार्स की बात करें तो मार्स है वो फोर्थ प्लेनेट है सन से और ये सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम में मरकरी के बाद। कमेंट बॉक्स में बताइए सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है सोलर सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द वेन्यू ऑफ फर्स्ट राउंड ऑफ इंडिया यूएस 2+2 डायलॉग। 2+2 डायलॉग जो कि इंडिया और यूएस में हुआ है, 2+2 डायलॉग जो कि इंडिया और यूएस के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स और डिफेंस मिनिस्टर के बीच हुआ है, वो किस शहर में आयोजित हुआ? राइट आंसर इज न्यू दिल्ली। ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसमें भारत और अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्रियों ने बातचीत की। यूएस की बात करें तो यूएस ने हाल ही में ईरान एक्शन ग्रुप बनाया है ताकि ईरान को प्रेशराइज किया जा सके। कमेंट बॉक्स में बताइए रैपिड ट्राइडेंट जो कि एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है उसको किस देश ने कंडक्ट करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 2018 एडिशन ऑफ मारालाल इंटरनेशनल कैमल डर्बी इवेंट वॉज हेल्ड इन विच अफ्रीकन कंट्री। 2018 का मारालाल इंटरनेशनल कैमल डर्बी है वो किस अफ्रीकन देश में आयोजित हुआ? राइट आंसर इज केन्या। ये केन्या में आयोजित हुआ। ये केन्या के मारालाल टाउन में आयोजित करवाया गया। केन्या की बात करें तो केन्या की कैपिटल है वो है नैरोबी और केन्यन सीलिंग है वो वहाँ की करेंसी है। ज्योग्राफिकल पोजिशन की बात करें तो इक्वेटर है वो केन्या से होकर गुजरता है। इसके साथ साथ साउथ और साउथ वेस्ट है, वहाँ केन्या तंजानिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, वेस्ट में युगांडा के साथ, नॉर्थ वेस्ट में साउथ सूडान के साथ, नॉर्थ में इथियोपिया के साथ और नॉर्थ ईस्ट में सोमालिया के साथ केन्या बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड फ्री मोबाइल फोन्स टू वुमेन ऑफ बीपीएल फैमिलीज, यानी किस राज्य सरकार ने बीपीएल फैमिलीज की महिलाओं को मोबाइल फोन देने की घोषणा की है? राइट आंसर इज राजस्थान। राजस्थान ने बीपीएल महिलाओं को मोबाइल फ़ोन देने की घोषणा की है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान पहला ऐसा स्टेट है जिसने बायोफ्यूल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की बात कही है। इसके अलावा भारत का सबसे बड़ा स्टार्टअप इंक्यूबेटर है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में शुरू किया गया है। इसके अलावा राजस्थान ने हाल ही में जो मार्टर्स हैं उनकी फैमिलीज के लिए एम्प्लॉयमेंट कैंप लगाने की बात कही है। पहला ऐसा कैंप झुंझुनू में लगेगा। झुंझुनू राजस्थान की एक डिस्ट्रिक्ट है। झुंझुनू से ही नेशनल न्यूट्रिशन मिशन और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ऑल इंडिया एक्सटेंशन है वो लॉन्च किया गया था। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन की बात करें तो सितंबर है वो नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के तौर पर मनाया जाएगा।
इसके साथ साथ नेशनल न्यूट्रिशन मिशन की जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द वेन्यू ऑफ इंटरनेशनल एविएशन समिट 2018। इंटरनेशनल एविएशन समिट है वो किस शहर में आयोजित हुआ? राइट आंसर इज न्यू दिल्ली। ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसको आयोजित करवाया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है और मिस्टर गुरु प्रसाद महापात्रा हैं वो इसके चेयरमैन हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो उड़ान स्कीम की एक इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी भी है। उड़ान स्कीम का मतलब है उड़े देश का आम नागरिक। इसके साथ साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो गगन प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रही है इसरो के साथ मिलकर। गगन प्रोजेक्ट का मतलब है GPS एडिड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। ये एक रीजनल सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है। इसरो का मतलब है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कमेंट बॉक्स में बताइए इसरो के प्रेजेंट चेयरमैन कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओरोरा प्राइज ल्यूरेट क्या हला ओंग हु विल डोनेट 1 million अवार्ड मनी टू हेल्प रोहिंग्या रिफ्यूजीज इज फ्रॉम विच कंट्री। क्या हला ओंग जो कि 1 million का जो अवार्ड मनी है वो रोहिंग्या रिफ्यूजीज की मदद के लिए डोनेट करेंगे वो किस देश से संबंधित हैं? राइट आंसर इज म्यांमार। वो म्यांमार से हैं। वो अपनी इनाम की राशि है वो रोहिंग्या रिफ्यूजीज की मदद के लिए डोनेट करेंगे। उनको ये अवार्ड दिया गया था टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस यानी अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए ये अवार्ड उनको दिया गया था। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार है उसकी कैपिटल है नेपाइडा और ऑफिशियल लैंग्वेज है बर्मीज। विन मियांट है वो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। म्यांमार एक बुद्धिस्ट डोमिनेटेड कंट्री है जबकि रोहिंग्या हैं वो मुस्लिम माइनॉरिटी हैं जो कि रखाइन स्टेट में है। म्यांमार पर आरोप है कि म्यांमार रोहिंग्या के ह्यूमन राइट का वायलेशन कर रहा है। कमेंट बॉक्स में बताइए म्यांमार का पुराना नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान के नए प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट किए गए हैं। राइट आंसर इज आरिफ अलवी। मिस्टर अलवी हैं वो पाकिस्तान के नए प्रेसिडेंट होंगे। इससे पहले मिस्टर ममनून हुसैन हैं वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे। हाल ही में पाकिस्तान में इलेक्शन हुए थे जिसके बाद पाकिस्तान में नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं मिस्टर इमरान खान। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। उर्दू है वो वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है और पाकिस्तानी रुपी है वो वहाँ की करेंसी है। पाकिस्तान में 4 प्रोविंसेस हैं खैबर सिंध पंजाब बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में ही ग्वादर पोर्ट है जो चाइना और पाकिस्तान मिलकर बना रहे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो पहली महिला चीफ जस्टिस होंगी हाई कोर्ट की वो भी बलूचिस्तान हाई कोर्ट की ही महिला चीफ जस्टिस होंगी। उनका नाम है मिस ताहिरा सफदार। इंडिया भी ईरान के साथ मिलकर एक पोर्ट बना रहा है। कमेंट बॉक्स में बताइए उस पोर्ट का नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड ए प्रपोजल बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन टू इंक्रीज वेजेस ऑफ आर्टिजंस बाय ओवर हाउ मच परसेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने KVIC के प्रपोजल को अप्रूव किया है ताकि आर्टिजंस हैं उनके वेजेस को बढ़ाया जा सके। राइट आंसर इज 36%। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 36% इंक्रीमेंट की बात को अप्रूवल दे दिया है। KVIC की बात करें तो KVIC है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। एक स्टेटूटरी बॉडी है यानी कि कानून के द्वारा बनाई गई बॉडी है। इसका हेड ऑफिस है वो मुंबई में स्थित है और इसकी नोडल मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी कि MSME मिनिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन शूटर बैग्ड गोल्ड इन द 50-meter पिस्टल इवेंट एट 2018 ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप इन साउथ कोरिया। यानी कि किस भारतीय शूटर ने 50-meter पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। राइट आंसर इज ओम प्रकाश मित्रवाल। उन्होंने 50-meter इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। ये उन्होंने इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप इवेंट में जीता है। ये इवेंट साउथ कोरिया में हुई थी। कमेंट बॉक्स में बताइए हाल ही में समाप्त हुए एशियन गेम्स में किन खिलाड़ियों ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है। साउथ कोरिया की बात करें तो साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल और कोरियन वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। 2018 के विंटर ओलंपिक्स हैं वो भी साउथ कोरिया में ही हुए थे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक इट शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और आपसे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस सब क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस वीडियोज से पूछे जाते हैं तो आप उनको भी जरूर देखिए। इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर द डे।